हमारे विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव को फिलफुल करने के लिए मेरी मिनिस्ट्री शिपिंग की ओर से भी कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 4,700 महिलाओं ने किसी महिला ने हायर एजुकेशन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लिया, कई महिला ने इंजीनियरिंग मरीन इंजीनियरिंग का कोर्सेस किया, कई महिला ने मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई न कोई पदवी ली, कई महिला ने ट्रेनिंग कोर्सेस किया और आज देश में 3 महिला ऐसी है जो मास्टर एफजी के रूप में मतलब कैप्टन के रूप में काम कर रही है, कई महिला ऐसी है वो चीफ ऑफिसर के रूप में काम कर रही है, कई महिला चीफ इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। एक शिप में चीफ इंजीनियर पर के लिए काम करना ये छोटी बात नहीं है। वैसे कई कई ऐसी महिला है वो सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर के रूप में काम कर रही है, सेकंड और थर्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रही है। कुल मिला के 121 महिला शिप पर ऑफिसर के रूप में ड्यूटी कर रही है और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि महिला ऑफिसर के रूप में भी काम करती है और कई ऐसी महिला है जो शिप में सलून देखती है, शिप में और ड्यूटी करती है। ऐसी 655 महिला है, कुल मिला के 810 महिला समुद्र में जाती है, समुद्र को अपना रोजगारी का केंद्र चुना है, रोजगारी के लिए उन्होंने एक क्षेत्र चुना है वो हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात है। समुद्र में जाना, देश दुनिया में जाना, समुद्र के माध्यम से महीनों तक शिप में रहकर ड्यूटी करना, ये महिला सशक्तिकरण का सबसे उत्तम उदाहरण है और हमारे देश की महिला वो कर रही है। इसलिए मैं देश की महिलाओं को अभिनंदन करता हूँ जो महिलाओं शिप में जाके अपने लिए और देश के लिए काम कर रही है और देश का गौरव बढ़ा रही है।